बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर टीवी 9 की टीम लगातार ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। लेकिन इस दरमियान सबसे अधिक दुनिया भर में जो चर्चा हो रही है बांग्लादेश में, वो है जमात इस्लामी संगठन के रोल को लेकर। तो इससे बेहतर और कौन होगा कि इस वक्त खुद जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट टीवी 9 नेटवर्क के साथ हैं सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, और वो जमात इस्लामी के इंटरनेशनल अफेयर्स के भी प्रमुख हैं। तो उनसे बात करते हैं और उन तमाम सवालों पर उनका जवाब लेते हैं कि आखिर सच क्या है। सर, थैंक यू सो मच टीवी 9 से बात करने के लिए। और टीवी 9 यहाँ एक हफ्ते से अलग अलग जगह पर जाकर रिपोर्ट कर रही है और आपके संगठन का नाम बहुत सुनने को मिल रहा है, हालांकि आपका संगठन बहुत पुराना है लेकिन सुनने को मिल रहा है। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि मौजूदा हालात में जमात का रोल क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। पर्सनली आई थैंक यू एंड योर चैनल 9 एंड थ्रू योर चैनल टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। जमात इस्लामी हैज़ बीन प्लेइंग ऑलवेज ए पॉजिटिव रोल इन आवर कंट्री। वी आर इन फेवर ऑफ द law and order situation to be improved, and we are motivating our people to have a very calm and quiet environment. We are promoting the honesty, corruption free society, and at the moment we are emphasizing on the harmony of the all communal all the community of this country, minority and majority, everyone should be united to build a new Bangladesh. So this is our main emphasis at this moment. आपने जो कहा, लेकिन जो perception है, मैं perception आपके सामने रखूँगा, उसमें से आपको जो लगे कि ये सही है तो आप कहना सही है, जो आपको लगे कि नहीं ये this is false perception तो उस please आप उसको correct कर लेना। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे एक सवाल करूँगा जो इंडिया में अभी बहुत चर्चा में है। पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया में एक आर्टिकल आया हुआ है, वो आर्टिकल सर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस आर्टिकल में जमात के सपोर्टर का दावा है कि जमात चाहता है, बल्कि मैं आपको वो सवाल ही मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। आप ये आर्टिकल भी देखिए, ये आर्टिकल आया है कि जमात ऑफ बांग्लादेश इज कैंपेनिंग फॉर द इस्लामिक स्टेट और ग्रेटर बांग्लादेश, ऐसा जमात के सपोर्टर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और उसमें एक मैप है, वो मैप है कि ग्रेटर बांग्लादेश का। यस यस, दिस इज़ अ न्यूज़ आर्टिकल जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट रखती है, और जो ग्रेटर बांग्लादेश होगा उसमें कुछ पार्ट इंडिया का रहेगा, बांग्लादेश का पार्ट तो है ही, कुछ पार्ट म्यांमार का रहेगा, रखाइन प्रांत, अराकान प्रांत, और जो इंडिया का पार्ट है उसमें पश्चिम बंगाल होगा, बिहार का कुछ पार्ट है, झारखंड का कुछ पार्ट है, बिहार का तो कटिहार है, किशनगंज है, कटिहार मेरा होम टाउन है, तो मतलब इसके हिसाब से मेरा होम टाउन जो है अब बिहार इंडिया में नहीं होगा, मैं अब बांग्लादेश में बन जाऊँगा। तो अब आप मुझे सबसे पहले तो सर, और ये बहुत वायरल है इंडिया में कि जमात का असली टारगेट ये है ग्रेटर बांग्लादेश, तो आपसे बेहतर कौन होगा इन सब बातों पर जवाब देने के लिए? दिस इज एब्सोल्युटली प्रोपागंडा अगेंस्ट जमात इस्लामी। जमात नेवर थॉट इट, नॉट थिंकिंग प्रेजेंट एंड विल नॉट थिंक लाइक दैट। वी आर वेरी मच फॉर द बांग्लादेश ऑफ प्रेजेंट टेरिटोरी, and we are for this country, for this territory, and it will remain like this. So what is written here is a safe and anti-propaganda to damage the image of Jamaat Islami. This is absolutely false and nothing's truth is there. क्योंकि मैंने इसीलिए आपको वो मैप दिखाया कि और ये कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दूसरे लोग होंगे जो आपके संगठन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में अपने को जमात समर्थक बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जमात समर्थक हैं, जमात इस्लामी के कॉडर के लोग हैं, और फिर वो इस तरह के मैप को दे रहे हैं जिससे इंडिया में काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, जो स्वाभाविक है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे?
दिस इज़ ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जमात इस्लामी. यू मैंशन वेरी राइटली दैट ही मे नॉट बी ए जमात पीपल बट इन द नेम ऑफ ए जमात वर्कर दिस टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा इज गोइंग ऑन. एंड एज लॉन्ग एज इट इट बिकम वायरल इन इंडिया वी ऑल्सो मे से दैट सम ऑफ द इंडियन पीपल हु इज अगेंस्ट जमात इस्लामी मेड दिस मैप by himself or a group of people from India or anti-Jamaat people and they are propagating. This is absolutely false about Jamaat. I again mentioned Jamaat never thought like that, is not thinking like that and will not think in future. इसीलिए सर मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारा जो परसेप्शन बना हुआ है तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा जो उन सब चीज़ों को क्लियर करे. तो इस वक्त जब टीवी 9 ने सीधा सवाल नायब अमीर जो जमात में ये वाइस प्रेसिडेंट है इनसे पूछा तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सब इनके संगठन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है ना. अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर. जो जमात को लेकर आपने बताया कि जमात का क्या रोल होगा बांग्लादेश में, लेकिन जमात को लेकर जो डिस्कशन है और हम इंडियन लोग भी जो मीडिया के थ्रू जानते हैं जो बातें होती है उसके मुताबिक जमात जो है वो भारत विरोधी कंसेप्ट रखता है, एंटी इंडिया माइंडसेट है. आप लोग इंडिया के रोल के बारे में, इंडिया के बारे में एक संगठन के नाते जमात क्या सोचता है, अगर आप हमारे दर्शकों को या इस टीवी नेटवर्क के जरिए आप भारत सरकार को भी बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? जमात इस्लामी इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट एंड वी वांट ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. So Jamaat is never against India. Rather, Indian governments and some of the Indian people, they are propagating against Jamaat Islami. So Jamaat wants a very good relationship and we are expecting that it will improve gradually. Jamaat has never been against any neighboring country, including India. अच्छा, तीसरा perception जो आपके बारे में है वो ये है कि जमात अभी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक खास करके हिंदू समुदाय के लोग हैं उस पर जो अटैक कर रहे हैं उसमें जमात का हाथ है, ये परसेप्शन है. अब आप मुझे इसके बारे में क्या कहेंगे? द रियलिटी इज टोटली अपोजिट. डिड यू मीट एनी हिंदू लीडरशिप दिस टाइम? आई रिक्वेस्ट यू टू मीट द हिंदू लीडरशिप ऑफ बांग्लादेश एंड गेट इम्प्रेशन अबाउट जमात इस्लामी फ्रॉम देम. This time, me and our leader, our head of the organization, Dr. Shafiqur Rahman, we visited the biggest temple in Dhaka and we had exchange of views with the Hindu leadership. And 2-3 days before, I had another meeting with all the important Hindu leaderships and we had discussion with them. This time, Jamaat had a great role to safeguard the temples and the wells and the lives of the minority community. Our workers, we put them in guard to safeguard the temples in this country. And this is all over the country, not only 1-2 temples, 1-2 house of the Hindus. Aap sir, bilkul. Second, this is not the first time that we have guarded the Hindu temples. It is always we did it. Why there is any tension between the Hindus and the Muslims or any incidents in India against the Muslims, we keep guard to safeguard the Hindu temples. In at the case of Babri Mosque demolition, we did the same thing. So this is the principle of Jamaat Islami and this is the principle of our religion Islam, that Islam always ensure the security of all the followers of the any religion. So as we belong to that ideology, we also believe that the everybody has the right to observe their religion, to have their protection, to have their rights as a full citizen of Bangladesh, as any other people, Muslims or Buddhists or the Christians, they have the right to enjoy the same privileges in this country. So we set guards this time to protect the Hindus, their walls and the temples. So the perception that we are against the Hindus, this is quite opposite. Rather that the Hindus, the perception that the Awami League is the friends of the Hindus,
बट दे अट्रैक्ट सो मेनी हिंदू टेम्पल्स एंड नेस्ट विद द ऑल्स ऑफ द हिंदूज. यू नो दैट देर इज सम ऑल्स ऑफ द माइनॉरिटी पीपल एंड दैट वॉज ऑक्युपाइड मोस्टली by the Awami League people. You will not find a single case that any Jamaat Islam people occupied any holds of the Hindu people in Bangladesh. So, sir, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप हमेशा से हिंदू मंदिरों का, हिंदू के लोगों के घरों का जमात रक्षा करती है, अवामी लीग वाले अटैक करते हैं ऐसा. You can investigate. हाँ, लेकिन बदनाम जमात हो जाती है. बदनाम जमात हो जाए. A few days back, I had meeting with the Hindu leaderships and the president of your Hindu community, he also mentioned this, that the Jamaat is always helping us, but the perception and the propaganda is the Jamaat is against the Hindus people. And he requested me, you have some role to abolish this type of misconception. And I requested that that is possible on your part. Only Hindu leaders will say that Jamaat helping us, not attacking our houses, not entering the temples, then people will believe. So this is response. एक तो सर मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ और आप भी अपने किसी को बोल सकते हैं. तीन चार दिन पहले मैं खुद भी रिपोर्टिंग करने के लिए ढाकेश्वरी टेम्पल गया, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा टेम्पल है, और वहाँ पर मुझे जमात के लीडर मिले, कई लोग थे उनके साथ. उन्होंने मुझे ये कहा कि जमात के आमिर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि ढाकेश्वरी टेम्पल का और दूसरे और मंदिरों की रक्षा की जाए. और मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने वो इंटरव्यू चलाया. ये तो मैं खुद इसकी गवाही देता हूँ सर आपको. लेकिन परसेप्शन क्या है ये देखिए. परसेप्शन ये है कि जब मैंने ये दिखाया कि जमात के लीडर वहाँ पर मंदिर में थे, मंदिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ गार्ड करने आए हैं, लेकिन बांग्लादेश या दुनिया भर में जो भी हमारे दर्शक हैं वो हमें ये कह रहे थे कि ये सब दिखाने का है ना. अगर आप इसको हिंदी में कहें तो मेरे उस रिपोर्ट के नीचे कमेंट क्या है आप उसको समझिए. कमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि जमात के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं, जो हाथी के लिए लोग कहते हैं. ये परसेप्शन है. तो अब सर इसको आप कैसे चेंज करेंगे, जबकि मैं ये खुद कह रहा हूँ एज ए रिपोर्टर कि मैं जमात के लीडर से मिला जो ढाकेश्वरी टेम्पल में थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग यहाँ गार्ड करने के लिए आए हैं. उस वक्त की बात है जब ढाका में और बांग्लादेश में काफ़ी टेंशन वाला माहौल था, तब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जमात के लीडर से मिला. लेकिन परसेप्शन भी ये है. इसको फिर आप कैसे कर रहे हैं, मतलब लोगों का ये कहना है कि दिखाने के लिए जमात वाले प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन फिर अटैक करते हैं. दोज हु आर कमेंटिंग लाइक दिस, आई डोंट नो हाउ कैन दे रीड द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ हार्ट ऑफ ए पर्सन. नंबर वन. नंबर टू, you are the witness now and you talk to the Hindu leaders, so if you give this real picture through your channel 9, I think most of the viewers and the people will be clear about the extent of Jamaat Islam. Sir, main aapko we want to prove it, not by leaves, by our action. And if you follow our action, I think it will be clear to any conscience people that Jamaat is always non-communal. And Jamaat had no communal activities in the past, and this time it is very obvious that Jamaat had a great role to protect the temples of the Hindus and the people, wells of the Hindu peoples. And it is obvious in the field, and it is reported in many of our newspapers. And I heard that there is an article given by some of your very prominent Congress leader as well as a journalist that Jamaat has protected the houses and temples of Hindus in Bangladesh. मेरे ख्याल से आप शशि थरूर के आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं जो विदेश राज्य मंत्री थे. राज्य मंत्री थे. एग्जैक्टली. यू गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड ही ऑल्सो ही मेंशन्ड दिस वेरी क्लियरली. नहीं, वो तो सर शशि थरूर का आर्टिकल ही नहीं बल्कि मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं जब ढाकेश्वरी में गया तो मैं देख के आया. इफ यू प्रोपगेट इट देन पीपल विल बी क्लियर. Inshallah, and this is your also responsibility to highlight the reality and the truth what is going on in Bangladesh. Sir, एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा. TV9 network ने and we have one teeth, not two. You have one teeth. आपके पास एक दांत है जो खाता भी है दिखाता भी है.
तो सर टीवी 9 ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को बहुत निष्पक्ष तरीके से जो सच है वो दिखाने की कोशिश की है, और इसीलिए मैं आपके पास हूँ ताकि आप उन चीज़ों को बता सकें। अब ऐसी स्थिति में जो परसेप्शन है आपके बारे में, तो कौन लोग हैं, चूँकि आप सर इतने सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, खुद आपके खिलाफ भी कई बार केसेस दायर हुए, आपको जेल जाना पड़ा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जमात जैसे बड़े संगठन में आप नंबर 2 की भूमिका में हैं, फिर कौन लोग हैं जो जमात को, आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन सरकार का मुझे नहीं पता लेकिन भारत के लोगों लोग भी जमात के नाम से जो है वो चिढ़ते हैं या नफरत करते हैं, कौन लोग हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं? देयर मे बी ए लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट इन बांग्लादेश, इन बांग्लादेश, आउटसाइड बांग्लादेश, स्पेशली इन द नेबरिंग कंट्रीज, बिकॉज यू नो दैट इन दिस रेवोल्यूशन और जमात हैड ए रोल जस्ट लाइक अदर कॉमन पीपल हैड दिस दिस and this is virtually an student movement supported by the common people, but Indian newspapers deliberately writing against Jamaat Islami and they are misleading the people that this is a revolution by Jamaat and Jamaat is going to establish a fundamentalist state in this country, so this is nothing relevant to Jamaat Islami, so there is a lot of forces who does not like Islam number 1, who does not like Jamaat Islam number 2, who does not like a smooth environment in Bangladesh. So they are always trying to mislead the people against Jamaat Islam. तो अब आगे आप लोगों की भूमिका क्या होगी? We are trying to represent the real picture what Jamaat is doing that. And you know that the media is a big area where they are propagating against Jamaat. So I request you this great channel that they will give the real picture about Jamaat Islam to the audience of and the followers of your channel. इसीलिए सर मैंने आपसे ये सवाल किया, ग्रेटर बांग्लादेश, अब आप सोच रहे हैं कि ये जिसने भी किया होगा। About greater Bangladesh, I heard from you first time. नहीं सर, वो आप आपके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, आप भी चेक सकते हैं। I saw this map, I saw this. हाँ, अब आप सोचिए ना कि आज मैं जब ये आर्टिकल, इससे पहले सर मैं 3-4 दिन से मैंने ग्रेटर बांग्लादेश वाले कई बार कई मैप देखे, इस वाले मैप में तो जब मैंने देखा कि कटिहार, किशनगंज, कटिहार इज़ माय होम टाउन, सो मुझे लगा अच्छा अब मैं कहाँ रहूँगा, इंडिया में रहने वाला हूँ कि बांग्लादेश में रहने वाला हूँ, आप सो जस्ट जोक, इट्स अ जस्ट जोक, व्हिच वन यू प्रेफर टू बी इन बांग्लादेश, बांग्लादेशी और टू बी एन इंडियन? सर मैं नहीं, आपका जोक भी और मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और बांग्लादेश मेरा एक पड़ोसी मुल्क है और भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध पर मुझे गर्व है, सो मैं भारतीय ही रहूँगा और आप और मैं बांग्लादेश को भी उतना ही रिस्पेक्ट करूँगा। दूसरी बात है, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसको भी ग्रो करने का, और जितना आप ग्रो करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड आई अगेन रिपीट जे जमात इस्लामी नेवर थिंकिंग सच ए ग्रेटर मैप और एनीथिंग बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, वी वांट दिस बॉर्डर टू बी अपग्रेडेड एंड दिस शुड बी प्रोटेक्टेड एंड दिस इज आवर कंट्री, वी लव दिस कंट्री। अब सर जो एक दो मैं ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, एक दो, शेख हसीना इस वक्त भारत में है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शेख हसीना को भारत ने क्यों रख अपने यहाँ शरण दिया, कई लोग मुझसे कह रहे हैं शेख हसीना कैसी है, तो मैंने कहा कि मैंने भी नहीं देखा है कि कैसी है, तो बोला कब वो वापस आएगी, जमात इस बारे में क्या सोच रहा है, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को ने जब कहा भारत से कि मैं आना चाहती हूँ और इस वक्त से वहाँ पर है, तो इससे बांग्लादेश और भारत का रिलेशन को कोई प्रभाव पड़ रहा है? I think that as long as Hasina is in India, this is not a big problem for Bangladesh. But India should not allow her to do politics against Bangladesh sitting in India. This is our point. The India should not help her and India should not allow her to do anti-Bangladesh politics from India. सर मैंने भारत के विदेश मंत्रालय से ये सवाल किया था कि जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश में उसको लेकर क्या रुख है, तो भारत सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि भारत का उद्देश्य ये है कि बांग्लादेश के लोगों का जो हित है, जो इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश इज प्रायोरिटी फॉर इंडिया, ये भारत का स्टैंड है। दिस शुड बी द स्टैंड ऑफ एनी कंट्री,
that they should respect the sovereignty of country, and they should want the improvement and the betterment of the people of the neighboring country. But unfortunately, for the long times, India is not in favor of Bangladesh. They are in favor of one party, and they don't have relation with the people of Bangladesh. They have relation with one particular some group of people. So this is very wrong foreign policy of India. We always think that. And yes, sir, ye fact hai ya perception hai? Ye fact hai. Ye fact hai. Yeah, ye fact hai. Because you see, for the last three elections, India had a very great role in favor of Awami League, not in favor of any real election or fair election. Okay, so it's a reality. In 2014 election, Indian Foreign Secretary came before 1-2 weeks of the declaration of the election, and they compelled President Ashraf to participate in the election, and it was declared by some Sujata Singh, I think, at that time, very openly in front of the press in our country, that they want Awami League and they wanted Ashraf to join in the election. So there is a direct interference, and before this election also, your foreign minister told they want Awami League in Bangladesh. Very openly. चूंकि सर आप जमात के इंटरनेशनल अफेयर के चीफ हैं, तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताया कि आप लोगों का कहना है कि अवामी लीग को भारत सपोर्ट करता है, इलेक्शन में इंटरफेयर करता है, और जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई की उस हिसाब से अवामी लीग वाले आप लोगों पे एलिगेशन लगाते थे, और इससे आपने सुना ही शेख हसीना का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड को लेना चाहता था, अमेरिका के अधिक अमेरिकन एम्बेसी ने आप पर भी एलिगेशन लगा था कि अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिसर ने आपसे मीटिंग की थी, मतलब हाँ वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग अमेरिका के संपर्क में हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वी हैव गुड रिलेशनशिप विद मेनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, एंड दिस इज द वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी स्मॉल. आई थिंक एवरी कंट्री शुड हैव कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी विद अदर कंट्रीज. So we have good relationship with many of the foreign countries, and we want good relationship with India also. And I have been trying to have a brotherly relations with India also, but there is a little response from India. And still through your channel, I offer India that Jamaat also wants a very good neighborhood with India, and Jamaat wants a good relationship with India. Both their people and the government. Okay, as regards the America may have the plan to occupy the San Martin or to put army there, San Martin, but Bangladesh people will not accept it, and Jamaat will not accept this. We are against any kinds of interference from any of the country of the world, bigger or smaller. We are a sovereign country, and we will keep our sovereignty, and Jamaat will work for that. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारे बात हम TV9 के जरिए की है, और बहुत सारे जो परसेप्शन है, फैक्ट है, र्यूमर है, उन सबको क्लियर किया. बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया आपको. तो ये माय थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू योर चैनल, टू योरसेल्फ पर्सनली, एंड आल्सो आई वांट टू गिव माय गुड विशेस टू द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये जमात के डिप्टी चीफ हैं जिन्होंने अभी भारत को लेकर, हिंदू पर हो रहे हमले को लेकर और तमाम तरह के आरोपों को लेकर एक एक सवाल का खुलकर जवाब दिया है. और इसके बाद जमात का रोल आगे क्या होगा, सरकार बांग्लादेश में किस दिशा में जाएगी, भारत के साथ क्या रिश्ते होंगे, इन सब को लेकर जो इनके आंसर हैं वो TV9 पर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि बांग्लादेश में जमात क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है. कैमरन गंगा सिंह के साथ मनीष झा, TV9, ढाका, बांग्लादेश.